शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हेलो कमिश्नर, हम हवेली से भवानी प्रताप सिंह बात कर रहे हैं। जी भवानी जी, बताइए क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी। हमारे करण को आपके किसी इंस्पेक्टर ने जेल में कैद करके रखा है। आप जल्द से जल्द उसे रिहा कर दीजिए। मुझे माफ कीजिए भवानी जी, पर इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। हम मदद नहीं मांग रहे हैं कमिश्नर, कीमत बताइए। आप पैसों से भी उस आदमी की रिहाई नहीं खरीद सकती, क्योंकि वो आदमी करण नहीं है। वो एक वांटेड अपराधी है जिसका नाम राजू है। नहीं, वो हमारे करण ही है। उन्हें धोखे से फंसाया गया है। नहीं भवानी जी, हमारे पास उसके खिलाफ पुख्ता सबूत है, इसलिए हम उसे रिहा नहीं कर सकते। इस फोटो में जो आदमी है वो करण नहीं है, वो एक सड़क छाप गुंडा राजू है। नहीं, इन दुनिया वालों को कैसे समझाएं कि आप ही हमारे करण हैं। करण, आज तो बुढ़िया जरूर मरेगी। आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? मैंने आप लोगों से कहा था ना, इनको किसी भी तरह का सदमा लगना जानलेवा साबित हो सकता है। डॉक्टर साहब उस बात के लिए माफी चाहेंगे, मगर फिलहाल दादी माँ की तबीयत कैसी है? कुछ कह नहीं सकते, इस सदमे से बच जाए यही बड़ी बात होगी। मुझे जो करना था मैंने कर दिया, बाकी सब भगवान के हाथ में है। नहीं, मैं मेरी दादी माँ को कुछ नहीं होने दूंगी। इनके लिए कुछ खाने के लेके आइए, इनकी बॉडी में काफी वीकनेस आया है। बुआ दादी, अब दादी माँ का ख्याल रखिए, मैं बस अभी आई। रॉकी जी,
इसे कह दो हम इसकी परछाई भी नहीं देखना चाहते। दादी माँ थोड़ा सा खा लीजिए। इस पापन के हाथ से छुआ हुआ कुछ नहीं खाना है। अगर आप कुछ नहीं खाएगी तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। बिगड़ती है तो बिगड़ जाने दो, मगर हम इसके हाथ का छुआ कुछ नहीं खाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, जब तक ये दोनों इस हवेली में हैं, हम पानी तक नहीं पिएंगे। भूखे प्यासे अपनी जान दे देंगे। दादी माँ प्लीज प्लीज जिद मत कीजिए। आप अगर चाहती हैं ना कि मैं हवेली छोड़कर चली जाऊं तो मैं चली जाऊं। प्लीज जिद मत कीजिए, प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। अब जैसा कहेंगी ना मैं वैसा ही करूंगी, मैं चली जाऊंगी। सच में जा रही नल, प्लीज तुम दूर जाओ मुझसे। रोक के लगाए झूठे आरोपों से तुम घबरा कर। लोगों ने नहीं लगाए, मेरी दादी माँ ने लगाए, और मुझ में ताकत नहीं उनसे लड़ने की। मैं बहुत ताकत है उनसे लड़ने की, और सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हें उनसे उनके लिए लड़ना है। तुम जानती हो काव्या कि दादी माँ इस वक्त दुश्मनों से घिरी हुई है, और वो उन्हें कभी भी सच देखने देंगे ही नहीं। और ऐसी हालत में तुम उन्हें छोड़कर चली जाओगे। अपनी आंखें खोलो और सोचो काव्या, डॉक्टर के बोलने के बावजूद भी कि उन्हें कोई सच्चाई नहीं पता चलनी चाहिए, उनके कान भरे गए। मतलब हमारे बीच में ऐसा कोई सदस्य है जिसने ये सब किया? कोई विभीषण है? कि मेरा शक किस पर है? इसे कहते हैं एक तीर से कई निशाने। काव्या, कुणाल, करण सबको ठिकाने लगा दिया मैंने। बस अब इस बुढ़िया बुआ की पानी है। अगर हमने इस बुढ़िया बुआ को ठिकाने लगा दिया ना, तो सोचो इस हवेली पर सिर्फ और सिर्फ हमारा राज होगा। बस इतनी सी बात, आप टेंशन मत लीजिए माँ, इस बुढ़िया का टिकट मैं कटवा दूंगा। रिलैक्स ओके, जस्ट रिलैक्स। कार्य क्या सोच रहा है? सही सोच रहा है। तो वो लगा किसी को समझ नहीं आएगा, ना समझ में आए, हमको समझ में आ रहा है। ये तुम दोनों माँ बेटे मिलके जो सातिरपना कर रहे हो ना, बहुत गड़बड़ कर रहे हो। काव्या और करण के इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए, और अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।